ठीक है, आप लोग जितनी जल्दी क्वेश्चन की रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम वीडियो को कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? एक मिनट, सारा सेटअप चेक करने दीजिए। आप लोग ऑप्शन चूज करते रहिए, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिल सके। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया बेहतर करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता का वातावरण देना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए ऐसा स्थान जहां उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिलेगा, बच्चे उसी वातावरण में आसानी से सीख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है किसका? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, प्रेक्षण अधिगम का। विद्यार्थी शिक्षक के व्यवहार का क्या करता है? अनुकरण करता है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके अधिगम के बाद फिल इन द ब्लैंक क्या करना चाहिए? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। जो रिक्तियां यानी कि जो कुछ भी बचा रह जाता है, जो कुछ भी नहीं उनकी समझ में आता है, बाद में उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। इससे विद्यार्थी के संपूर्ण ज्ञान का एक बार से पुनः निरीक्षण किया जा सकता है, फिर से देखा जा सकता है क्या कुछ बचा रह गया, फिर उनको पढ़ा करके समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलती पर जल्दी से गुस्सा कर लेता है, यह संवेदनशील रूप से संतुलित नहीं है, यह शिक्षक संवेदनात्मक स्थिति को उसके दर्शाता है एक अध्यापक की। इस प्रकार के जो व्यवहार अपनाता है शिक्षक वह संवेदनात्मक रूप से असंतुलित होता है और उसमें मेनली समायोजन की क्षमता का अभाव होता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता, जल्दी से झल्ला आ जाता है, इरिटेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनसीएफ 2005 की बात हो रही है, विकल्प यहां पे आपको कौन सा सही होगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, या एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। एनसीएफ के बारे में ऑप्शन आपका यहां पे यही सही हो जाता है और किसी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, जब गलत है तो उसको पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां चलिए हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं यहां पे, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? कुछ क्वेश्चन इसमें से मिस हो गए हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? वे कैसे सीखते हैं ये बताती हैं, वे कैसे सीखते हैं यही ऑप्शन भी सही है, कैसे सीखते हैं इनकी कार्य प्रणाली को बताती हैं, बच्चे किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, इसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा? आज नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है नेटवर्क की। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन यहां पे आपके कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु या जो शारीरिक आयु है, मानसिक आयु बटा वास्तविक या आपकी शारीरिक आयु मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 12 बटा यहां पे क्या हो जाएगा 10, 120। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, समेकित शिक्षा इंगित करती है, क्या इंगित करती है? क्वेश्चन नंबर 14, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा?
क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 है उसमें समेकित शिक्षा की संस्तुति की गई है। अब सभी जान रहे हैं NCF 2005 आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। इसमें क्या है, अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले कारक एक साथ या एक ही विद्यालय में या एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करेंगे, इससे उनमें सहयोगात्मक समायोजन की क्षमता का विकास होगा, सामाजिकता का विकास होगा, सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करें, यही है समेकित शिक्षा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है कैसे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है किस तरीके से, नेटवर्क आज बहुत खराब है, दिन भर से हम परेशान थे, एक भी क्लास नहीं हो पाई थी, आप लोगों का आज बहुत नुकसान हुआ, क्या बताएं, नेटवर्क की वजह से बहुत सारी दिक्कत हुई आज, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, 15 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, आदर्श रूप से वर्ताव करके। शिक्षक जब एक आदर्शवादी व्यवहार को अपनाता है तो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास अपने आप हो जाता है, क्यों, क्योंकि बालक अनुसरण करके ज्यादा सीखता है, और मेरे शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण तो बच्चा जरूर करता है। घर पे आप कुछ भी चीज सिखा दें और अगर टीचर कुछ बोले रहेगा ना तो बच्चे वही करते हैं, बोलेंगे कि नहीं हमारे स्कूल में ये सिखाया ही नहीं गया, टीचर ने ये बोला ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है, लड़कियों को वरीयता देना क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, आप लोग जान चुके होंगे, लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है जो कि नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत है। लड़कियां हर फील्ड में लड़कों की बराबरी कर रही है, इवन बराबरी तो हम गलत कह सकते हैं, आगे भी निकल रही है, तो लड़के आगे निकल रहे हैं, कहीं पर लड़कियां निकल रही हैं, वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती। देखिए विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, आप सभी जानते हैं विकास और अभिवृद्धि में मैंने अंतर बताया है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो शारीरिक मानसिक और संज्ञानात्मक होती है, इससे बालक के संपूर्ण जीवन का विकास होता है, संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, संपूर्ण जीवन का विकास होता है। लेकिन अगर व्यक्तिक भिन्नता की बात की जाए, बात क्या की जाए, व्यक्तिक भिन्नता होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है, इसीलिए यह ऑप्शन आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक बार आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। पूरे क्वेश्चन हम 500 कवर करेंगे CDP के, पूरे CDP के 500 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, पूरी आज की क्लास में नहीं होगा लेकिन ये 500 कंप्लीट करा देंगे तो कैसे नहीं फंसेगा, सब आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है शिक्षण विधि बदल दें। उनकी शिक्षण विधि गलत हो सकती है कि एकदम से इंटरेस्टिंग ही ना हो, बोरिंग हो, पढ़ाते ही जा रहे पढ़ाते जा रहे, उनका ये फोकस है कि हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, तो उनको शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। व्यवहार का करना पक्ष किसमें आता है, व्यवहार का करना पक्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें आता है, सीखने के गति क्षेत्र में या भावनात्मक मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सीखना, व्यवहार का जो करना पक्ष है सीखने के गति क्षेत्र में आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, अगला है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करना है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करना है। आप लोग हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में।
क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण अलग अलग शिक्षार्थियों में अधिगम शैलियों में अंतर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तिगत परिणाम है। मानव व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यक्तिगत का कोई मतलब नहीं, मानव व्यक्तित्व होगा। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव के व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति की आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है और इसी आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कक्षा एक और दो स्तर के बच्चे 24, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे 24 का सही हो जाता है आपका बी, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। कक्षा एक और दो स्तर के बच्चे, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 24 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, कक्षा एक से दो स्तर के बच्चों की आयु कितनी होगी? लगभग 2 से लेकर 7 वर्ष के मध्य होगी और इस आयु वर्ग के बच्चे अपने मूर्त अनुभवों से जल्दी सीख जाते हैं। अमूर्त का कोई सवाल ही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25 है, शैक्षिक व्यक्तिक शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ते जा रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक, और जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ चुके हैं तो चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियोस तभी आप लोग देख पाएंगे टाइम से। 25 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में अलग अलग शैलियों और अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि व्यक्तिक भिन्नता होने पर भी अधिगम समान रूप से चलता रहे। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 26 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का यही मतलब होता है कि सामाजिक जो वातावरण में अनुकूलन और समस्या की क्षमता का एक तरीके से आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट, एडॉप्टेशन, एडजस्टमेंट, अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है डी, धैर्य और लगन। पता है सबसे मेन चीज धैर्य और लगन। आप कक्षा प्राथमिक स्तर की कक्षा में आप घुस जाएंगे ना, आप सर दर्द करने लगेगा आपका, आप सोचेंगे, बल्कि बड़े बच्चों को आप एक बार शांत करा देंगे तो शांत हो जाएंगे, छोटे बच्चे नहीं शांत होते। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिक क्षमता बहुत कम होती है और अधिगम कार्य बहुत धीमी गति, बहुत कम गति से होता है। इसीलिए आप में धैर्य और लगन दोनों होना चाहिए, लगन के साथ पढ़ाने के लिए, धैर्य उनको झेलने के लिए। वैसे बहुत क्यूट भी होते हैं लेकिन अगर आप थोड़े से वैसे हैं परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु जो थीम है सबसे अच्छी होगी? लेकिन
उस कक्षा में पहुंचना बहुत सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए, जॉब से भी अगर आप अलग छोड़ दीजिए, पूरे न्यू आप बनाते हैं, उनका फ्यूचर आप सुधारते हैं, अगर सुधारना चाहते हैं तो एक तरीके से आप कहेंगे बहुत ही बढ़िया काम है, बहुत ही नेक काम है, और सैलरी के पर्पज से वो भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, दोनों तरीके से ये बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा, संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, एक सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, समस्या का समाधान अच्छे से करना चाहिए, सब कुछ मतलब उसको आसान कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, जो बालक स्कूल जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर, जो उसकी आयु है जिसे 12 वर्ष, वह आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा, यानी कि जिस कक्षा में उसकी एक कक्षा नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है, तो वो कैसा बालक होगा। क्वेश्चन नंबर 31, मानसिक मंदता एक प्रकार का क्या है, मानसिक विकार है, जिसके कारण बालक में समायोजन की क्षमता का विकास बहुत ही कम हो पाता है, और इसी वजह से इसका प्रभाव उनकी अधिगम क्षमता पर भी पड़ जाता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। शिक्षक को क्वेश्चन नंबर 32, विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में बिल्कुल सलाह नहीं देंगे, अलग करना यह भी नहीं होगा, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है। ऑप्शन आपका यहां पे सी सही हो जाएगा, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करेंगे। ठीक है, जिससे कि शिक्षक और विद्यालय व्यवस्था के साथ वो उसका तालमेल बैठाया जा सके, उसके बारे में जानेंगे कि बच्चा अभी तक क्या कर रहा है, या फिर किस परिवेश से आ रहा है, क्या उसकी मनस्थिति है, जिससे कि उसका अधिगम सुचारू रूप से चल सके। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, भ्रमण के लिए ध्यान से प्राणी का ज्ञान स्थिर हो जाता है। भ्रमण के ध्यान से मेनली जो कुछ भी आप देखते हैं वो आपके दिमाग में ज्यादा बैठ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि आपको निकालनी, बुद्धि लब्धि जल्दी से निकाल के बताइए, बहुत ही आसान सा है। वास्तविक आयु, मानसिक आयु 12/8 कितना आएगा, कर डालिए जितना भी हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 34, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे डी, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक की उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह कौन सी है। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता को दूर करने के लिए 35, ऑप्शन आपका आसान सा सी है, खेल और मनोरंजन नीति अपनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान, क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है मेनली
उस समय की तात्कालीन एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ही क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? थर्टी सेवन ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अनुसंधान के लिए वृत्त विस्तृत व्याख्या। ठीक है, अनुसंधान के प्रस्ताव में मूल विस्तृत व्याख्या को शामिल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा सी। मेनली अनुसंधान प्रस्ताव के अंतर्गत समस्या की पृष्ठभूमि अनुसंधान की परिकल्पनाएं और अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण का वर्णन किया जाता है, तो विकल्प आपके यहाँ पे सी सही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव। जो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चे होते हैं उनमें अस्थिरता की प्रकृति पाई जाती है, और इसी अस्थिरता का मुख्य कारण बालक का अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव होता है, जल्दी से प्रतिक्रिया कर देते हैं, अस्थिर होते हैं वो। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ब्लूम का डोमेन ऑफ लर्निंग है। देखिए यहाँ पे ब्लूम, अब यहां पे देखिए संज्ञानात्मक है, मनोप्रेरणा है। ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत शिक्षा के तीन उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। तीन उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका मनोप्रेरणा, दूसरा संज्ञात्मक, तीसरा क्या हो गया? यहां पे देखिए चार विकल्प आप सभी के सामने दिए हैं, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर आप लोग अभी 34 पे हैं, कैसे भाई 39 पे आना चाहिए, 39 पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, 39 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 39 रिप्लाई तो नहीं देख पाए, चलिए सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विवेक विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, ये सभी चिंतन अनुसंधान से संबंधित हैं, सभी चिंतन की आवश्यकता होती है। किसी विषय वस्तु पर शोध करने के लिए परंपरागत चिंतन भी, विकेंद्रित चिंतन भी, वैज्ञानिक चिंतन, इन सभी का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपके यहां पे सही हो जाता है 41 का सी। जेन पियाजे के अनुसार बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में तर्क हुआ जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत कब से होती है? 11 वर्ष से होती है ना, इसीलिए आपका ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा सी। किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? फोर्टी टू का यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है, टायलर महोदय ने कहा। इन्होंने एक किस पर कहा था? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कहा था। सीखने की खेल विधि उपयोगी है किसके लिए? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था या युवावस्था या परिपक्वावस्था? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है कौन सा? सभी में क्रो और क्रो नहीं रहेंगे। 43 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, बाल्यावस्था हेतु सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष, यही ना।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में बालक के अंदर चंचलता अधिक होती है, मन में अस्थिरता होती है, समायोजन की भावना का अभाव होता है, जिससे उनमें अधिगम कार्य बहुत ही मंद गति से होता है, चंचल होते हैं, तो खेल विधि के द्वारा बच्चों में अधिगम प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? मूल्यांकन की प्रविधि निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, मत सूची है, ये सभी है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 44 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, ये सभी। मूल्यांकन की प्रविधि ये सभी है। एक शिक्षक खाद्य व सब्जियों फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी अपने अनुभव से जोड़कर पोषण के तथ्यों की विद्यार्थी अपने अनुभव से जोड़कर पोषण के तत्वों को सीखते हैं, इस दृष्टिकोण का आधार क्या है? इस दृष्टिकोण का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, इस दृष्टिकोण का आधार ज्ञान का निर्माण करना है। विकल्प देख करके डर नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है क्या? पियाजे की विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है क्या? 46 है, आप लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहते हैं। देखिए पियाजे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उनकी अवस्था, अच्छा एज कितनी, कौन सी इस एज वाली अवस्था कौन सी है, चार अवस्थाएं कौन सी है, ठीक है, इसमें कौन कौन सा क्या काम हो रहा है, तो इसमें भी अब यही पूछा जा रहा है संवेदी गामक अवस्था में मिली क्या हो रहा है। 46 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। पियाजे ने बालक के विकास को चार अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें बालक पहली अवस्था में संवेदी गामक, जो पहली अवस्था होती है कौन सी होती है, संवेदी गामक अवस्था, जो बालक के जन्म से 2 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण करता है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था होती है, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, 5 वर्ष तक। बाल विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं, बहुत ज्यादा कई अवस्थाएं बांटी गई हैं, तो 8-8 बांट दी गई, उसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा, तो मेनली 3 अवस्थाएं, जो एक शैशवावस्था है जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है, फिर है दूसरी बाल्यावस्था जो 6 से लेकर 12 वर्ष, फिर एक किशोरावस्था है जो 12 से लेकर के 18 वर्ष, मेनली 3 अवस्थाएं, ये बाल विकास के दृष्टिकोण से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ए बी सी और डी इस पेज पे, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा डी, 48 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे छात्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत भावना बच्चा अपने सहपाठी के साथ, बच्चों के साथ रहते हुए सीखता है, न कि बड़ों से, और विशेष आवश्यकता वाले छात्र दूसरे क्षेत्र में अक्षम हो सकते हैं, परंतु यह अनिवार्य नहीं कि सभी क्षेत्रों में वो अक्षम हो। बात समझ आ रही है? तो ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही हो जाता है, यानी कि दोनों कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हालांकि ये बात पहली वाली पूरी सही नहीं हो सकती, जो किसी से भी वो सीख सकता है जैसे लोगों के साथ वो रह रहा है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोगशालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां कौन सी हैं? उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए ठीक है, अभी लाइव है, हम लाइव है, आप लोग कुछ भी पूछिए। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा बी है, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि, परिणात्मक और गुणात्मक विधि। विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन कई विधियों के द्वारा होता है, लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें जो प्रयोगशाला में, तो
परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि का प्रयोग मूल्यांकन में प्रयोगशाला में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं, आशा की यह अवस्था का कारण क्या है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। और नए साल में आप लोग प्रवेश करने वाले हैं कुछ ही घंटों के बाद, और बहुत ही अच्छा, उम्मीद करेंगे कि ये पूरा साल, उम्मीद करेंगे क्या, पूरा विश्वास है हमें कि ये साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और भगवान से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपका साल, आपके साल का हर एक सेकंड आपके लिए खुशियां ही खुशियां लाएं। आप लोग जिंदगी की हर इम्तहान में, कोई भी इम्तहान हो, कोई भी परीक्षा हो, आप लोग अच्छे नंबर से हमेशा पास हो। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, मानसिक अक्षमता। ठीक है, मानसिक अक्षमता के कारण ही बालक या बालिका अपनी आयु भर के बालक बालिकाओं के समान अधिगम कार्य नहीं कर सकते, यहां तक कि अपने आयु भर के नीचे की अवस्था का कार्य करने में भी वो अक्षम होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? 2020 हमारा होना चाहिए, 2020 हमारा होना चाहिए, हम जॉब लेकर के रहेंगे, एक सीट पक्की करके रहेंगे, ऐसा आप लोग प्रण कर लीजिए आज की ही डेट में, आज की ही रात में, 12 बजे से पहले आप लोग प्रण कर लीजिए। और हम आपको बताते हैं, आपके इस जुनून और जज्बे जोश के आगे कुछ भी, कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। भगवान का साथ हो, आपका जुनून हो, कुछ भी पॉसिबल है। एक चीज होना चाहिए आपके अंदर, वो धैर्य होना चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, धैर्य और लगन जो एक शिक्षक में होना चाहिए वो आप में अभी भी परिलक्षित होना चाहिए, अभी से दिखना चाहिए। धैर्य होना चाहिए, लगन होना चाहिए, लगन के साथ पढ़ाई करिए, धैर्य के साथ निगाह को आप एम की तरफ गड़ाए रखिए, सफल होंगे, जरूर सफल होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 51 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी, अनुच्छेद 21 का या 21A। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 52, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 52 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपके यहां पे सही हो जाते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला है, क्रेशर ने व्यक्तित्व को निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया? क्रिश्मर है, क्रिश्मर ने, क्रिश का है, सुडोल का है, गोल का है, विकल्प आपका सही हो जाता है, डी, उपरोक्त सभी। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अधिगम वक्र में पठार बनता है किसकी वजह से? क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, सी, थकान के कारण अधिगम वक्र में पठार बनता है। सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं होती ना, कभी तेजी आती है, कभी धीरे होता है, इसका मुख्य कारण क्या? थकान के कारण ही जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर पठार जैसी अवस्था आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए, यहां से आइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। आपको सही कड़ी का यहाँ पे चयन करना है, पेज उलट गया था, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाइए। लक्ष्य है, फिर समायोजन, फिर प्रेरक और लास्ट में परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? पेज उलट गया था, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 81। हमें क्वेश्चन से मतलब है, नंबरिंग से नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, बी, अधिगम के पठार का कारण नहीं है विद्यालय का असहयोग, प्रेरणा की कमी होने से, शारीरिक सीमा, थकान वगैरह, ज्ञान की सीमा, इन सभी से अधिगम पठार बनता है, विद्यालय के असहयोग का इसमें कोई रोल नहीं है।
सीखने की मात्रा और समय में जो एक आप ग्राफ बनाते हैं उसे ही अधिगम वक्र रेखा कहते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। 82 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, अनियमित विकास का नियम। देखिए मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी और अनियमित होती है अन्य प्राणियों की अपेक्षा। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन अधिक तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है लेकिन फिर से किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। तो शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, और एक चीज बता देते हैं आपको, सिर से पैर की ओर और निकट से दूर की ओर विकास के सिद्धांत के अनुसार होता है। अभी जो मैंने बताया वो अनियमित, नियमित, धीमी, तेजी, तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, अनियमित विकास का नियम है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है अधिगम, ये सही बात है। अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप ये किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन आपका सही हो जाता है गेट्स व अन्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। विकल्प आपके यहां पे सही हो जाता है सी, ये बुद्धि का मापन करता है। 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर के आधुनिक प्रकार का एक सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, बुद्धि का। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हुआ है? 85 ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये सभी विकास के सिद्धांत से संबंधित है। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का, समान प्रतिमान का, ये विकास के सिद्धांत से संबंधित है। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? आपके अधिगम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? युंग ने किया। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा क्या है? उभयमुखी व्यक्तित्व। इन्होंने व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? विकास के परिणाम स्वरूप नई नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, हरलॉक के अनुसार है यह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। जितने भी स्टूडेंट एक बार वीडियो को देख रहे हैं आप लोग जल्दी जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं देख रहे हैं पूरे 100% ऑनेस्टी के साथ, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मूल प्रवृत्तियों को ऐसे, देखिए 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? विकल्प आपका यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है 89 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, मैकडूगल ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हर मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग बताया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90, बहुत बढ़िया, 90 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, सीखने का समग्र सिद्धांत।
ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। सीखने के समग्र सिद्धांत को किस नाम से और जानते हैं? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था, जिसमें कौन कौन है? कोहलर है, कोफका है, और हल ने किसका दिया था? हल ने सीखने का प्रबलन सिद्धांत दिया था। क्लियर है? और जबकि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक से ही, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये स्किनर, क्लासिकल सिद्धांत पैवलोव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डंबिल का है ये। नेक्स्ट है, इसमें से किसका नाम, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ? सुजनन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? यूजेनिक्स। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है गाल्टन महोदय को। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, गाल्टन को। इसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ी को जो वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले लक्षण होते हैं भावी पीढ़ी में, उसको नियंत्रित किया जाता है। मेनली आपको एक लाइन में ये बता दें कि ऐसा विज्ञान है जिससे कि जो मानव जाति की अगली नस्ल है उसको सुधारा जा सके। तो आनुवंशिकी में कुछ चेंज किया जाता है जिससे कि अगली पीढ़ी में सुधार हो सके। अच्छी चीजें जोड़ी जाती है, अच्छी चीजों के बारे में, एक अच्छी चीज से मतलब है इसका, जिससे कि मानव जाति की नस्ल को सुधारा जा सके, उनके लक्षणों को नियंत्रित कर लिया जाता है। जो लक्षण अगर नहीं सही है, नहीं बेकार से हैं, उनको रोक दिया जाता है और अच्छे लक्षणों को प्रमोट किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं, बात समझ में आ रही है? ये है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, अब यहां पर देखिए ऑप्शन आपका एकदम से क्लियर सही हो जाता है सी, बहु अनुक्रिया का नियम। देखिए थॉर्नडाइक ने जो अपने नियम दिए थे दो वर्गों में बांटे थे, मिले दो वर्गों में, एक मुख्य नियम था, दूसरा गौण नियम था। मुख्य नियम में कौन कौन सा था? मुख्य में तीन नियम थे। मुख्य में तीन नियम कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम के अंतर्गत बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, ये सभी शामिल थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर, अभी आपने देखा था शरीर के आधार पर, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है चलिए ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? स्प्रेंजर ने समाजशास्त्री आधार पर दिया था। देखिए ग्रंथियों के आधार पर भी कृष्णर ने ही दिया था, इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको देख लेंगे, हमें थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। स्प्रेंजर तो ये कंफर्म है कि हाँ, समाजशास्त्री आधार पर व्यक्तित्व के छह प्रकार इन्होंने बताए थे। छह प्रकार कौन कौन से? सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक। ये था युंग का, अभी मैंने बताया आपको, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 95 है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। कब किया था? 1963 में किया था, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा इन्होंने। और यह साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण है।
यह परीक्षण हिंदी, उर्दू और आंग्ल भाषा में कितने वर्ष से, 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों के लिए था? ध्यान दीजिएगा जो डिटेल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ये। अब आ गए आपके फेवरेट क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 97, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 97 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, स्पीयरमैन ने। कब किया? 1904 में किया। इनके अनुसार बुद्धि कितने कारकों से मिलकर के बनी? दो कारकों से। दो कारक कौन कौन से हैं? एक है सामान्य योग्यता कारक यानी कि जी फैक्टर, दूसरा है विशिष्ट योग्यता कारक यानी कि यस फैक्टर, जी और यस फैक्टर। क्लियर है? संप्रदाय माना जाता है। इसकी स्थापना अनौपचारिक एवं औपचारिक रूप से किसने की थी? संरचनावाद को मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं जाता, काफी देर से परेशान, नेटवर्क भी नहीं काम कर रहा था। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? चलिए देखिए यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन को करके हम लोग निकल लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, विलियम वुड साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए संरचनावाद को मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। इसकी स्थापना अनौपचारिक रूप से देखिए 1879 ईस्वी में लिप्जिंग में, कहां पे? लिप्जिंग में, विलियम वुंड द्वारा। और औपचारिक रूप से 1898 ईस्वी में ईवी टिचेनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? टिचेनर के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको एक और जोड़ना पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो विकल्प आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतरदर्शन विधि का प्रतिपादन किया था? शिक्षा मनोविज्ञान की अंतरदर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प आप सभी के सामने, तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विलियम, यहाँ विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, विलियम वुंड व टिचेनर, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? संरचनावाद मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक विलियम वुंड और उनके शिष्य टिचेनर ने किया था, इनके वो शिष्य थे। अगला है, मापन के प्रकार की दृष्टि से चर कितने प्रकार के होते हैं? मापन के प्रकार की दृष्टि से चर आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं। 3, 5, 4, 2, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, दो प्रकार के। दो कौन कौन से प्रकार हैं मापन चर? दो प्रकार के, पहला है गुणात्मक चर, दूसरा है मात्रात्मक चर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का मापन करना क्या कहलाता? आप लोग स्कोरिंग करते रहिएगा और साथ साथ में वीडियो को भी आप लोग लाइक ही करते रहिएगा, लाइक और शेयर, एक लाइक और एक शेयर, उसके बाद आप लोग क्लास को करते रहिए। जल्दी जल्दी से फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे विकल्प आपका सही हो जाता है डी, अवलोकन तकनीकी। किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का मापन करना क्या कहलाता है? अवलोकन तकनीकी कहलाता है। किसने सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से मानव के वंशानुगत लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के उन्नयन के लिए प्रयास किया? किसने सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से मानव के वंशानुगत लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के उन्नयन के लिए प्रयास किया? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये, फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन साहब ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं? बुद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा और प्रकाश, बुद्धि या यौन विभेद, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7, शैशवावस्था से संबंधित सत्य कथन है? शैशवावस्था से संबंधित सत्य कथन आपको चूज करना है, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है, ये भी सही है। शिशु के जन्म के उपरांत की 6 वर्ष की अवधि क्या कहलाती है? शैशवावस्था। जीवन के प्रथम 5-6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क
अत्यंत ग्रहणशील रहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे तीनों सही हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, जल्दी कवर करेंगे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जिसके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। निषेचन के पश्चात जनपूर्व विकास का प्रथम काल क्या कहलाता है? निषेचन के पश्चात जनपूर्व विकास का प्रथम काल क्या कहलाता है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8, जनपूर्व काल को कितने खंडों में बांटा गया? तीन खंडों में बांटा गया है। प्रथम है डिंबावस्था, दूसरा है पिंडावस्था, तीसरा है भ्रूणावस्था। डिंबावस्था निषेचन के उपरांत जन्म पूर्व विकास का प्रथम काल है। क्या है? डिंबावस्था। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, डिंबावस्था। ठीक है, यह अवस्था कितना, जब ओवा निषेचित हो जाता है तो उस क्षण से प्रारंभ होकर लगभग 2 सप्ताह तक चलता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यावधि की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? संज्ञानात्मक कार्यावधि की दो विशेषताएं, देखिए चार अवस्थाएं पूछा जाता है, चारों अवस्थाओं का समय पूछा जाता है, उसके अलावा एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है संज्ञानात्मक कार्यावधि की जो दो मुख्य विशेषताएं वो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए, संगठन और अनुकूलन। ध्यान दीजिएगा, संगठन और अनुकूलन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के भाषा विकास की प्रक्रिया को कितने सोपानों में विभक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो अवस्था कौन सी? पूर्व वक्र भाषा दूसरी होती है पश्च वक्र भाषा। मैकडूगल महोदय ने कुल कितने प्रकार के संवेगों का उल्लेख किया? मैकडूगल साहब ने, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 11 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, 14। कितनी? 14। अच्छा, सभी अब यहाँ पे संवेगों के मूल प्रवृत्ति पूछा जाता है, संवेगों की मूल प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं। जैसे देखिए, क्रोध की मूल प्रवृत्ति पूछा जाता है, क्या होता है? ये उत्साह या लड़ना। घृणा का विकर्षण या निवृत्ति। वात्सल्य का संतान कामना। ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, थर्स्टन है। कौन है? विकल्प सही हो जाता है सी, थर्स्टन साहब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे विकल्प आपका सही हो जाता है सिगमंड फ्रायड। किसका? सिगमंड फ्रायड का। अगला क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है। अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, थॉर्नडाइक महोदय। अगला क्वेश्चन आप सभी का, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सामाजिक संदर्भ से। वाइगोत्स्की, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सामाजिक अवधारणा को बताया है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, प्राथमिक विद्यालय के छात्र सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे कैसे? क्वेश्चन नंबर 16, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, जहां बालक के संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बच्चा वहीं पे सबसे प्रभावी ढंग से सीखेगा। ठीक है, बालक विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सीखते हैं, जहां शिक्षक बालक के विचारों को सुनता है, प्रश्नों के माध्यम से बालक के विचारों को सुनकर उनका उत्साहवर्धन करता है, वहां बालकों के क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अधिगम निरयोग्यता किस प्रकार की अवस्था है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, 17 का बी। अधिगम निरयोग्यता एक प्रकार की चर अवस्था है। यह किसी व्यक्ति के विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है। अधिगम निरयोग्यता से ग्रस्त बच्चों को बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने, गणित के प्रश्नों को समझने, इन सब में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालक की समायोजन प्रक्रिया को
प्रभावित करने वाले कारक कौन है? बालक के समायोजन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी, परिवार, विद्यालय, समाज, सभी। समायोजन की प्रक्रिया में प्रतिबल उत्पन्न करती है, समायोजन की प्रक्रिया में प्रतिबल उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, बाधा, प्रतिबल मतलब बाधा, विकल्प आपके यहां पे सही हो जाता है डी, ये सभी, असंतोष, तनाव, कुंठा, चिंता या अंतर्द्वंद। फिर अगला है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, चारों विकल्प आपको देख रहे होंगे, बालकों में अभिप्रेरण उत्पन्न करने का प्रथम कदम है, बालकों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रथम कदम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, सीखने की इच्छा जागृत करना, सीखने की इच्छा जागृत करना। आप लोग साथ साथ में स्कोर करते रहिएगा जिससे कि पता चले कि आप लोग कितना तैयार किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र 21, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाइड बाय 100, कहाँ पे है ये, मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज, ये विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है? भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22, विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है भाषाघात, भाषाघात अफेसिस, ए पी एच ए एस आई एस, ठीक है। भाषाघात मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के बोलने लिखने और बोलने और लिखे हुए शब्दों को समझने में अनियमितता होती है, अस्पष्टता और स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान संप्रदाय एक जर्मन संप्रदाय था, इसकी स्थापना किसने की थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान संप्रदाय एक जर्मन संप्रदाय था, इसकी स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, वर्दाइमर, वर्दाइमर महोदय ने की थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शिक्षण के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए, शिक्षण के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है, तो जल्दी से चुनिए सत्य कथन कौन सा है, चारों में से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, कम भले ही हो, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, 100% लाइक, ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सत्य कथन का चुनाव करना आपको, तो सत्य कथन आपका विकल्प सही हो जाता है डी, सभी सत्य कथन। शिक्षण एक क्रमिक और व्यवस्थित और सप्रयास प्रक्रिया है, शिक्षण से अपेक्षित परिणाम पूर्व निश्चित व सुपरिभाषित होते हैं, शिक्षण का संबंध शिक्षार्थी के व्यवहार परिवर्तन से होता है। अगला है, अनुभव द्वारा सीखने के संदर्भ में विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया, अनुभव द्वारा सीखने के संदर्भ में विभिन्न मतों का प्रतिपादन किसने किया? 25 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, डेविड कोहेन एवं वॉकर ने, 25 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, डेविड कोहेन और वॉकर ने अनुभव द्वारा सीखने के संदर्भ में मतों का प्रतिपादन किया। अभिप्रेरणा की मार्क सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी मैंने मॉर्निंग में क्वेश्चन भी पूछा था, अब्राहम मैस्लो ने, थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, 26 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है अब्राहम मैस्लो साहब, ठीक है। अभिप्रेरणा की मार्क सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था, कब किया था? 1954 को किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक किसी वस्तु की मांग महसूस करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए एक्टिव हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है, ठीक। अगला है, अधिगम अंतरण के किस सिद्धांत के अनुसार अंतरण बिना किसी प्रयास के स्वतः होता है? अधिगम अंतरण के किस सिद्धांत के अनुसार बिना किसी प्रयास के स्वतः होता है? 27 का यहाँ भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत अंतरण का बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरण बिना किसी प्रयास के अपने आप हो जाता है। गुथरी द्वारा प्रस्तुत किस नियम के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थिति में नई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है? गुथरी द्वारा प्रस्तुत किस नियम के अनुसार? 28 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, नवीनता का नियम, 28 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, नवीनता का नियम। गुथरी द्वारा प्रस्तुत नवीनता के नियम के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थिति में कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है।
परंतु उसी प्रकार की परिस्थिति में पुनः रखने पर वह पूर्व परिस्थिति में की गई अंतिम अनुक्रिया को दोहराता है। ये नियम ये बताता है गुथरी के अकॉर्डिंग। अधिगम वक्र मुख्यतः कितने प्रकार के हो सकते हैं? अधिगम वक्र मुख्यतः कितने प्रकार के हो सकते हैं? अधिगम वक्र मुख्यतः चार प्रकार के हो सकते हैं। चारों प्रकार कौन कौन से हैं आपको बताया गया है, चार यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है चार। सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिगम में भाषा के लाभ हैं, अधिगम में भाषा प्रयोगशाला के लाभ हैं, भाषा प्रयोगशाला का क्या लाभ है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी। छात्र अपनी गति से सीखता है, छात्रों को शब्दों के उच्चारण में सहायता मिलती है। अगर किसी का फ्यूचर बनाने में मेरी थोड़ी सी भी हेल्प हो जा रही है ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली हम बना लेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा। तो ये मेरा पैशन हो चुका, और दूसरी चीज़ अच्छा नहीं लगा दो दिन से, फिर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता कि कुछ अजीब सी फीलिंग होती रहती है कि मैंने गलत किया है, ये डिसीजन लेकर के गलत किया। फाइनली अभी सुकून भी है थोड़ा सा, ये भी है कि नहीं अभी घर वालों को भी मना लेते, लेकिन वो जल्दी थोड़े से नहीं मानेंगे। तो चलिए देखते हैं, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बाल विकास और शिक्षण विधि का पहला क्वेश्चन है। इजी से हम लोग मॉडरेट, फिर उसके बाद टफ लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम कभी कोई चीज़ शेयर नहीं करते थे, पहली बार है। आप लोग भी फैमिली हो चुके हैं, तो इस वजह से शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर से रिलेटेड ये डिसीजन था। सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मानसिक आयु का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो यहाँ पे आप लिखिए, विकल्प आप सभी के सामने है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले। यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ए, बिने और साइमन ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की बुद्धि लब्धि आई की सामान्यता कितनी होती है? औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? लगभग 70 से 90, 90 से 110, 60 से 100, 50 से 70। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे हमारा सही हो जाता है बी, 90 से लेकर के 100। औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से लेकर के 100 तक होती है। ठीक है, और जो साइमन और बिने ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था बुद्धि लब्धि का, 1916 में प्रस्तुत किया था, उसमें 140 से अधिक वालों को क्या माना जाता है? प्रतिभाशाली माना जाता है। 120 से 140 वालों को अतिश्रेष्ठ माना जाता है। 100 से 100, यहाँ पे देखिए 110 से 120 वालों को श्रेष्ठ बुद्धि वाला, और 90 से लेकर के 100 के बीच वाले को क्या माना जाता है? औसत या सामान्य बुद्धि। लगभग यह इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के सभी पक्षों में, यहाँ पे देखिए बाल विकास के पक्षों में सम्मिलित है क्या? शारीरिक एवं गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, उपरोक्त सभी। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? बाल विकास के पक्षों में कौन कौन सा पक्ष शामिल है, कौन कौन सा विकास शामिल है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा सही, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। आपका यहाँ पे विकल्प सही हो जाता है डी। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत विकास के ये सभी पक्ष, जितने भी पक्ष हैं वो सभी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपका ऑप्शन आ जाता है भाषिक विकास, वो भी उसमें शामिल होगा। ठीक है, तो आपको विकल्प के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन चूज करना है। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, और साथ साथ में आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल विकास मुख्य रूप से कितने कारकों द्वारा निर्धारित होता है? बाल विकास मुख्य रूप से कितने कारकों के द्वारा निर्धारित होता है? 2, 4, 3, 5। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए, 2। दो कारक कौन कौन से हैं? बाल विकास मुख्य रूप से 2 कारकों द्वारा निर्धारित होता है, और 2 कारक कौन कौन से हैं? पहला है अनुवांशिकता, दूसरा है पर्यावरण।
ठीक है। अनुवांशिकता से मतलब होता है जो जन्मजात विशेषताएं बच्चे पाते हैं या जो क्षमताएं पाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हस्तता से अभिप्राय है। हस्तता क्या है, हस्तता से अभिप्राय क्या होता है? विकल्प आप सभी के सामने है, हाथों की विशिष्ट बनावट व योग्यता से, प्रयोग में एक हाथ की तुलना में दूसरे हाथ का प्राधान्य, हाथों के प्रयोग से, प्रति मिनट लिखे जाने वाले शब्दों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हस्तता का मतलब होता है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हस्तता का अभिप्राय होता है प्रयोग में एक हाथ की तुलना में दूसरे हाथ का प्राधान्य। मतलब एक ही हाथ बच्चे ज्यादा यूज करते हैं, यही इसका मतलब है हस्तता का। ठीक है, जैसे देखिए जो अधिकांश शिशु होते हैं दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग करते हैं आसानी से, लेकिन जो 2 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, शुरू के 2 वर्ष की आयु के बच्चे दाएं या बाएं हाथ में किसी एक ही हाथ का प्रयोग करते हैं, उसी में अपनी रुचि वो ज्यादा दिखाते हैं। तो इसी से पता चलता है कि उनकी रुचि किस में, दाएं हाथ में है बाएं हाथ में, मेनली यही मतलब है हस्तता का, किसी एक हाथ का ज्यादा प्रयोग करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बच्चे सामान्यतः किसी सहायता के बिना कब चलना शुरू कर देते हैं? बच्चे सामान्यतः किसी सहायता के बिना कब चलना शुरू कर देते हैं? ये सारे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट के लिए क्वेश्चन है सारे, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप सीटेट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए और फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहिए। तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाता है 6 का ए, 14 महीने। ठीक है, किसी सहायता के बिना चलने की जो आयु होती है औसत आयु 13 से 14 महीने होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भाषा के कौशलों के रूप में परिणत कितनी आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, भाषा के कौशलों के रूप में परिणत कितनी आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं? 4, 5, 3, 7। तो कितनी क्रियाएं शामिल होती हैं? 7 का हमारा ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है 4। कौन कौन सी? पहला हो गया आपका सुनना, ठीक है, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना बोलना। ठीक है, ये ऐच्छिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वाधिक प्रचलित उपकरण कौन से? मूल्यांकन में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वाधिक प्रचलित उपकरण आपको बताने हैं। विकल्प आप सभी के सामने है, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। ओके, 8 का यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, व्यवहार मिलान चार्ट, आपकी अगर यहां पे देखें निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल का भी उपयोग होता है, बहुत सारी यहाँ पे जितने भी लिखे ऑप्शन के अलावा भी आपके मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण होते हैं। तो यहाँ पे आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। तो किसी एक की सहायता से मूल्यांकन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए कौन से क्रिया शब्द सहायक होते हैं? विकल्प आप सभी के सामने है, विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र के, ध्यान से देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 9 का डी, उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए कौन कौन से शब्द, यानी मैक्सिमम देखिए, प्रत्यास्मरण करना, रिकॉल करना, पहचानना, उल्लेख करना, परिभाषित करना, विभेद करना, तुलना करना, सामान्यीकरण करना, उदाहरण देना, निष्कर्ष निकालना, ये सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप लोग अभी अगर जैसे संज्ञानात्मक कौन कौन से, मेनली ये पूछा जाता है ये किस क्षेत्र में आते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में, एग्जाम्पल दे दिया जाता है। जैसे मैंने जो जो भी नाम लिया, जैसे तुलना करना हुआ, परिभाषित करना हुआ, विभेद करना, डिफ्रेंशिएट करना हुआ, ठीक है,
उदाहरण देना हुआ, ये सभी किस क्षेत्र में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक के साथ आप लोग थोड़ा सा दिमाग बढ़ाते रहिए, दौड़ाते रहिए, तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर द्वारा अभी निर्धारित बुद्धियों में कौन सम्मिलित नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, संज्ञानात्मक बुद्धि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उनकी कौन कौन सी बुद्धि थी उन्होंने बताया था, जो भाषाई बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गणितीय बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, पूरी 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना लाई गई। तो यहाँ पे आपका विकल्प कौन सा सही होगा, सर्वोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्कूल चलो अभियान। आप लोग यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर 1986 पर फोकस करे होंगे, इसी यहाँ पे इस लाइन से इतने से ही आपको ध्यान देना कि विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लाई गई थी। किस वर्ष में लाई गई थी, इसका अस्तित्व कब हुआ था? मतलब किस सन में ये आई थी, 1987 में, 1987 से 88। ठीक है, और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य भी पूछा जाता है, आप सभी को बता देते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री और शिक्षण उपकरण जैसी जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था की जाए, जो आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था की जाए, ये इसका उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस शिक्षा नीति के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक अवस्था मानसिक विकास को कितने भागों में विभाजित किया है, 4, 2, 8, 3। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, 12 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। कौन कौन सी अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की है, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष की है, फिर तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक की है, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक है। क्लियर हो गया, ये 4 अवस्थाएं थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, ये यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, आपको यहाँ पे प्रतिपादक मिल रहे हैं, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर, भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीटेट में भी और सीटेट में पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं, आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होगा, आप सभी पढ़े होंगे। 13 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन वेरी गुड, यहाँ पे हमारा 13 का ऑप्शन सही हो जाता है बी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर, ये आपका विकल्प सत्य नहीं है। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, एरिक्सन ने, यहां पे एरिक्सन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, इस ये भी क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको पूरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहां पे देखिए परीक्षण है अध्ययन के विषय, तो यहां पे देखिए प्रसंगात्मक प्रासंगिक बोध परीक्षण TAT, व्यक्तित्व लक्षण इससे संबंधित ये परीक्षण है, अब ये सही है कि गलत आप देखते रहिए, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, अचेतन प्रेरणा, निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, शिक्षकों की बुद्धि, चिमटी परीक्षण, यांत्रिक कौशल। अब यहाँ पे सही सुमेलित नहीं ये पूछा जा रहा है, तो विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, निष्पादन परीक्षण शिक्षकों की बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है, ये सही नहीं है। जो निष्पादन परीक्षण है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, अशिक्षकों की बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है,
जबकि शिक्षकों की बुद्धि परीक्षण है तो मौखिक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे मैंने बताया था इजी से लेके आपको मॉडरेट क्वेश्चन, फिर उसके बाद से थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा जा रहा है नहीं है। आप लोगों को एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम में हम कभी कभी जब गलती करते थे नहीं और हाँ में गलत करके चले आते थे, बाद में यहाँ पे घर आने के बाद देखते थे अरे ये नहीं पूछा गया, तो फिर बड़ी टेंशन हो जाती थी कि ये तो मुझे आ रहता है। तो यहाँ पे देखिए, व्यक्तित्व सिद्धांत प्रतिपादक, तो व्यक्तित्व सिद्धांत मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लोन, शारीरिक रचना सिद्धांत क्रेशमर, सेल गुड सिद्धांत अल्पोर्ट एवं कैटल, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड, कौन सा आप सुमेलित नहीं है? वेरी गुड, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, शरीर रचना सिद्धांत। क्रेशमर ने इसका प्रतिपादन नहीं किया। शरीर रचना सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? सैल्डन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगा, आपने हमेशा की तरह फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक और एक शेयर आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16, माता पिता के संरक्षण से बाहर निकलकर अपने सहपाठियों दोस्तों की संगत करना बालक की किस अवस्था को प्रतिबिंबित करता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आप लोग लगातार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? 16 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, उत्तर बाल्यावस्था। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था या जिसे हम कह सकते हैं पूर्व किशोरावस्था, अगर पूर्व किशोरावस्था भी ऑप्शन में है तो आप पूर्व किशोरावस्था भी लगा सकते हैं, जिसकी उम्र कितनी है 9 से लेकर 12 वर्ष। इस आयु वर्ग के बालक जो होते हैं अपने माता पिता के संरक्षण से बाहर निकलकर अपने सहपाठियों दोस्तों की संगत में रहना अधिक पसंद करते हैं। इसका यह सेंस हुआ कि अपनी वो प्रसन्नता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, उत्तर बाल्यावस्था। बाल विकास में सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तत्परता से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, परिणाम की अपेक्षा, अभ्यास कार्य, प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्राथमिक मूलभूत नियम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है तत्परता। ठीक है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, आप सभी को याद होगा, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, और तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा नियम है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो तत्परता का नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयारी किए जाने पर बल देता है। समझ में आ रही है आपको? तत्परता में कार्य करने की इच्छा जुड़ी होती है और ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता आपकी सहायता करती है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है तत्परता। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? चिंता, ज्ञान का स्थानांतरण, प्रेरणा, अभिप्रेरणा। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, ज्ञान का स्थानांतरण। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को हम कहते हैं ज्ञान का स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? मेनली 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा होता है शून्य स्थानांतरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ये 18 के बाद अब आ जाते हैं 19 पे। देखिए यहां पर भी पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखिए। अच्छा थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आपको यहाँ पे चारों दिख रहे होंगे। देखिए, बुद्धि के सिद्धांत और प्रवर्तक का नाम, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिनेट, टर्मन और स्टर्न ने। द्विकारक व त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। बुद्धि की संरचना सिद्धांत जेपी दास ने। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। तो आप लोग जरूर बताइए कि यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप लोगों का सब टॉपिक वाइज हम CDP भी कंप्लीट करते हैं, जिसमें बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम आपके कवर करेंगे वहां पे, व्यक्तित्व से रिलेटेड अभी तक
मैक्सिमम टॉपिक कवर हो गए हैं और कुछ बाकी भी हैं, वो भी हम कवर करते चलेंगे। तो ठीक है, अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बैलेंस कर चुके हैं खुद को। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जेपी दास ने नहीं दिया, ये इसके प्रवर्तक नहीं है। देखिए यहां पे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभी मैंने आपको बताया, ये नहीं था, गार्डनर का क्वेश्चन था, ये गिलफोर्ड, ठीक है। क्लियर है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जेपी दास ने नहीं, गिलफोर्ड ने किया था इसका प्रतिपादन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या क्या होती है? अब क्या क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। अब क्या क्या में, ऑप्शन तो एक ही रहेगा, क्या पूछना चाहिए था, क्या क्या में एक से ज्यादा ऑप्शन जरूर होगा। सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, उपरोक्त सभी। कभी कभी आप अगर थोड़ी सी चालाकी करेंगे, कॉन्सेंट्रेट होंगे, एकदम से शांत माइंड से एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तो आप लोग पक्का सही कर ले जाएंगे, क्वेश्चन ही सही कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। बाल्यावस्था और बहुत सारी विशेषताएं होती है, एक तो आप यहाँ पे तीन देख रहे हैं, सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता आती है, रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है, रुचियों में परिवर्तन होता है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं उसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से कौन कौन सम्मिलित हैं? विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, उपरोक्त सभी। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। प्रभावशाली विधियों में, अब इसमें अगर आपका देखिए पूछा जाए, इनके अलावा भी अगर आपको और ऑप्शन ऐसे मिल जाए, जैसे परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन और विचार गोष्ठी के द्वारा सीखना, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा, समूह अधिगम के द्वारा, वो सभी प्रभावशाली विधियों में सम्मिलित हैं। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग डिटेल में क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं कि आप लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, साथ साथ में उसके बारे में आप लोग कुछ ना कुछ जानते रहें। फैक्चुअल क्वेश्चन हम आप लोगों को इकट्ठे करवा देते हैं, जैसे अभी 58 मिनट का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें 100 क्वेश्चन थे फैक्ट वाले रिलेटेड, जितने भी फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने करवा दिए थे। तो फैक्चुअल क्वेश्चन मैक्सिमम यूपी टेट में पूरे पूछे जाते हैं, एक दो पेडागोजी से आ जाते हैं, ठीक है। तो फैक्ट वाले क्वेश्चन हमने आपको बहुत कराए हैं और दे देते हैं, बीच बीच में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन अवेलेबल करवा देते हैं, पूरे क्वेश्चन एक साथ करके। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं? कारक हैं बालकों की संरक्षण की दशाएं, सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव, विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी ऑनलाइन हैं, आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। और कंटिन्यू दिन में कम से कम आपको 3 से 4 वीडियोस तो अभी फिलहाल मिलेंगी, कन्फर्म मिलेंगी। तो आप लोग 22 का ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? 22 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से चिंतन के उपकरण या साधन कौन से हैं? प्रतिमाएं, प्रत्यय, प्रतीक एवं चिन्ह, उपरोक्त सभी। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? 23 का यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, प्रतिमाएं हो गया, प्रत्यय हो गया, प्रतीक एवं चिन्ह हो गया, इसके अलावा अगर आपका पूछा जा रहा है भाषा भी है, सूत्र है, ये सब भी चिंतन के उपकरण या साधन में ही शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पे देखिए, एक मिनट, हाँ ये देखिए। अब शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा विदों ने सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना है।
जिसमें से कौन कौन निम्नलिखित में शामिल है? सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना गया है, किसने माना? शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने और शिक्षाविदों ने। तो जिसमें से कौन कौन शामिल है? उद्देश्यों की स्पष्टता, अभ्यास जागृत करना, स्वक्रिया पर बल या उपरोक्त सभी। तो 24 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑब्वियसली सभी होगा, ऑप्शन आपका सही होता है डी। ठीक है, सीखने के नियमों का जो शैक्षिक महत्व है उसमें उद्देश्यों की स्पष्टता, अभ्यास कराना, स्वक्रिया पर बल है, अनुभव स्थानांतरण भी है। ठीक है, ये सारे इसमें शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। मनोवैज्ञानिक ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक सक्रियता विधि, 18 माह से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा विधि और 7 वर्ष की आयु के आगे की अवस्था को माना गया है, क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आपको, कल्पनात्मक विधि, सांकेतिक विधि, दिवा स्वप्न विधि, संज्ञानात्मक विधि। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? ब्रूनर के अनुसार 25 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? 25 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, सांकेतिक विधि। मनोवैज्ञानिक ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक सक्रिय विधि, 18 माह से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा विधि और 7 वर्ष की आयु के आगे की अवस्था को क्या कहते हैं? सांकेतिक विधि। उसमें सांकेतिक विधि की प्रधानता होती है, सांकेतिक विधि उपयोग की जाती है बच्चों की इस आयु से आगे की अवस्था में। ये ब्रूनर के अनुसार है। जब कभी भी मनोवैज्ञानिक, एक स्पेशल मनोवैज्ञानिक का नाम लेकर के पूछा जाए तो उन्होंने जो माना वही आपको लिखना है, आपको वहां पे दिमाग नहीं लगाना है किसी के अनुसार, तो फिर जो उन्होंने वर्गीकृत किया वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक, उपरोक्त सभी। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? 26 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। अभिवृत्ति संप्रत्यय में ली किसी विषय वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक प्रक्रिया है। आप कैसा दृष्टिकोण रखते हैं किसी के, किसी विषय वस्तु, किसी भी आप कह सकते हैं किसी घटना के बारे में आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं, आपका व्यू क्या है, जिसमें आपका संज्ञान परक, क्रिया परक और प्रेरणा परक प्रत्यय सभी शामिल होता है। तो इसीलिए ऑप्शन आपके यहां पे सही हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि के लिए, व्यक्तित्व के लिए, स्मृति या समायोजन। आसान सा क्वेश्चन है। तो 27 का यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 27 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, भाटीय बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है और इसका निर्माण किसने किया था? इन्होंने ही किया था, सीएम भाटिया इनका नाम है। और कब किया था? 1955 में किया था। ठीक है, इसका एक नाम और भी है, भाटीय बैटरी परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भाटिया बैटरी परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है। बैटरी परीक्षण नाम तो आप समझ जाएंगे, भाटिया बैटरी को कहा जा रहा है, लेकिन क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी मापक उपकरण के लिए, क्वेश्चन नंबर 28, किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वांछनीय अवयव क्या होता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानक। विकल्प आपके यहाँ पे कौन सा सही होगा? 28 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है 28 का बी। ठीक है, किसी भी मापक उपकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे वांछनीय अवयव, सबसे इंपॉर्टेंट अवयव जो होता है वो विश्वसनीयता होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, प्रमाणिक विचलन का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान, समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान।
पूरे आवृत्ति वितरण का जो प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 29 का ऑप्शन हमारे यहां पे सही हो जाता है, एक केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, जिसके अंतर्गत क्या आता है, आपका माध्य आता है, माध्य हुआ, माध्य का बहुलक, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा, ये केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। क्वेश्चन नंबर 30, संवेग शब्द का सही मनोवैज्ञानिक व शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवेग शब्द का क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन, क्रोध एवं भय, स्नेह एवं प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, उपरोक्त में से सभी, विकल्प आपका यहां पे कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए, चलिए आज के सवाल में इसे शामिल करते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए बहुत ही आसान सा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संवेग शब्द का सही मनोवैज्ञानिक व शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, आप हमेशा की तरह फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपकी क्लासेस की टाइमिंग, वही है, 6 बजे है, 8 बजे है, ठीक है, और 10 बजे आपका रिवीजन क्लास होगा, और जिस दिन रिवीजन नहीं होगा उस दिन SCRT होगा। तो आप लोग निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग अपनी स्कोरिंग करते रहिएगा, और आप लोगों को यहाँ पे हम 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देंगे, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सके और रिप्लाई कर सके। तो पहले का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, 18 से 40 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी। 18 से 40 वर्ष तक की अवस्था को कौन सी अवस्था माना जाता है? युवा प्रौढ़ावस्था के नाम से जाना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा कितनी होती है? 6 से लेकर के 12 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है, और ये जन्म से 2 वर्ष शैशवा अवस्था होती है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था होती है, 12 से 18 वर्ष किशोर अवस्था होती है। तीनों ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में से कौन है? कोलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, पियाजे। पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में विभिन्न चरणों को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, अवस्था फर्स्ट, अवस्था सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इससे कौन कौन सा मिलान सही होगा? तो यहाँ पे आराम से आप लोग मैच करा लीजिए, फिर ऑप्शन आप सभी को दिखाते हैं। चलिए ऑप्शन भी दिखा देते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए, चारों ऑप्शन भी दिख रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, अवस्था प्रथम संवेदी गत्यात्मक अवस्था, अवस्था द्वितीय पूर्व संक्रियावस्था, अवस्था तृतीय मूर्त संक्रियावस्था, अवस्था चौथी अकार्किक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, 10 वर्षीय राजमोहन जिसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है, और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, IQ उसकी कितनी होगी? तो इसका सूत्र होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, मेंटल एज अपान रियल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे मेंटल कितनी है, 12 अपान 10 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 120 आएगा, ऑप्शन है यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है, ए। उसकी IQ कितनी होगी, 120 होगी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है, इधर बुद्धि लब्धि दी गई और इधर मौखिक विवरण दिया गया, 140 और अधिक कैसा बच्चा होगा, 130 से 39 के बीच में, 100
30 से लेकर 139 के बीच में कैसा होगा, तो यहाँ पे आप लोग मिलान कर लीजिए। फिर इधर ऑप्शन आप सभी के सामने, ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे, तो कौन सा सही होगा, यहाँ पे विकल्प हमारा सही होता है सी, यानी कि एक का तीसरा 140 और अधिक वाला क्या होगा, अत्यंत वरीय प्रतिभाशाली गिफ्टेड, 130 से 139 के बीच में होगा अति श्रेष्ठ, 120 से 129 के बीच में क्या होगा श्रेष्ठ होगा, 90 से 109 के बीच क्या होगा औसत होगा। क्लियर है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, विभिन्न अधिगम दोषों के संबंध में निम्नलिखित में असत्य को पहचानिए, असत्य को पहचानना है, इसमें से तीन आपको सत्य मिलेंगे एक असत्य है, तो विकल्प आप सभी के सामने कौन सा सही होगा, मौखिक अधिगम में दोष, अफेज्जा, भाषा एवं पढ़ने में दोष, डिसलेक्सिया, कम या बिल्कुल अवबोध न होना सेलेक्सिया, लिखने में कठिनाई डिसग्राफिया। ऑप्शन यहाँ पे हमारे कौन सा सही होगा, असत्य, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, कम या बिल्कुल अवबोध न होना सेलेक्सिया, कम या बिल्कुल अवबोध न होना हाइपर सेलेक्सिया दोष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मंद बुद्धि वाले बच्चों के लक्षणों में क्या शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आप सभी के सामने है यहाँ पे, शैक्षिक उपलब्धियों का निम्न स्तर होना, आत्मविश्वास का अभाव, मांसपेशियों का समन्वय कम होना, तीव्र स्मरण शक्ति, ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, तीव्र स्मरण शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंद बुद्धि वाले बालकों में जो परफॉर्मेंस होगा अधिगम निष्पत्ति होगी साधारण बुद्धि वाले विद्यार्थियों से कम होगी, निम्न स्तर की होगी, उनकी तुलना में मंद बुद्धि वाले बच्चों में क्या होगी, निम्न स्तर की होगी। ये जो तीव्र स्मरण शक्ति है ये प्रतिभाशाली बुद्धि वाले विद्यार्थी की विशेषता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, पियाजे, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, गिलफोर्ड। मैंने क्वेश्चन आप सभी को करवाया है, विकास का जितना भी सिद्धांत था उसमें मानसिक विकास भी शारीरिक विकास भी सारे क्वेश्चन आप सभी को मैंने प्रोवाइड कराए हैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि के तीन स्वतंत्र आयाम बताए जिसमें विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद को शामिल किया उन्होंने, कॉन्टेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, गार्डनर ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धियों के बारे में उल्लेख किया है, गार्डनर ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धियों के बारे में उल्लेख किया है, 5, 6, 7, 3, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 7 प्रकार की बुद्धियाँ, जिसमें भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ये सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, स्किनर संबंधित हैं किस नियम से, क्रिया प्रसूत, अनुबंधन सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम के सभी सिद्धांत मैंने एक वीडियो में, दो वीडियो में कवर कर दिया, दोनों वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा वहां से। तो ऑप्शन मैंने आप सभी को बताया है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है क्रिया प्रसूत अनुबंध, यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, जिसमें क्या होता है दंड और पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, और इसका प्रतिपादन आप सभी जान गए स्किनर ने किया था। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, पियाजे, कोहलर, हॉल, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है हॉल, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसको संप्रत्यय निर्माण के सोपानों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अवलोकन, विश्लेषण, तुलना, पृथककरण, सामान्यीकरण, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहां पे निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही विकल्प चुनिए, यहां पे आप सभी के ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा आप लोग बताइए, ए, बी, सी, डी,
ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, उपर्युक्त सभी संप्रत्यय के सोपानों में अवलोकन, विश्लेषण, तुलना, पृथककरण और सामान्यीकरण सभी को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न उपागमों के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आप सभी को सुमेलित करना है, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न उपागमों के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कौन सा उपागम किसने दिया? तो यहाँ पे देखिए किस उपागम से कौन संबंधित है, यहाँ पे आप लोग आराम से देखिए चारों विकल्प आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैव सामाजिक उपागम किसने दिया, जैव सामाजिक उपागम, जैव सामाजिक उपागम यहाँ पे तीसरा आइसैक और कैटल ने दिया। फिर मनोविश्लेषण उपागम, ये मनोविश्लेषण उपागम फ्रायड ने, क्लियर है। सामाजिक अधिगम उपागम ये किसने दिया, कूली और स्किनर ने। जैव शारीरिक उपागम ये हिप्पोक्रेटस गेल ने। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी, तो बी ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से असत्य को पहचानिए, असत्य को पहचानना है कौन सा सही नहीं है, किंडरगार्टन पद्धति, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, मारिया, प्रोजेक्ट आर्मस्ट्रांग, डाल्टन पद्धति, श्रीमती हेलेन पार्कर्स। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है, किलपैट्रिक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करना, समय से पूर्व मूल्यांकन करने से रोकना, निरुत्साहित करने वाले प्रश्न भी पूछना, कल्पना शक्ति को उद्दीप्त करने वाली शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना, किसको शामिल नहीं किया जाता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, निरुत्साहित करने वाले प्रश्न भी पूछना, ये प्रभावी शिक्षण में इसे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, पियाजे को, पैवलोव को, मैकडूगल को, स्किनर को। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है पियाजे को। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी कि अपने नए विचारों के धरातल पर अपनी वो अभिव्यक्ति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है पियाजे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसको प्रभावी शिक्षण विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, नहीं, क्वेश्चन आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं और हाँ के चक्कर में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो शामिल नहीं किया जाता, कक्षा वाद विवाद, खुले अंत वाले प्रश्न पूछना, कक्षा में रटने पर बल देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी जान गए होंगे ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, कक्षा में रटने पर बल देना, कक्षा में रटने पर बल देने को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि बालक को समझा कर किसी विषय की जानकारी देनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से प्रेरी प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश का पौधों अथवा स्वतंत्रता आंदोलन पर कहानियां लिखने को कहा गया, इस क्रियाविधि द्वारा वह निम्नलिखित में से किस बुद्धि को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से प्रेरी प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश के पौधों अथवा स्वतंत्रता आंदोलन पर कहानियां लिखने को कहा गया, इस क्रियाविधि द्वारा वह निम्नलिखित में से किस बुद्धि को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, शारीरिक गति, संवेदी बुद्धि। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, भाषाई बुद्धि। ऑप्शन यहाँ पे सही होता है बी, भाषाई बुद्धि। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक निम्नलिखित में से क्या है,
बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। वैज्ञानिक शोधों के आधार पर मानवीय बुद्धि कौशल के परीक्षण के लिए बुद्धि गुणांक पद्धति का उपयोग किया जाता है। यह बालपन से लेकर वृद्धावस्था तक एक ही समान रहता है। एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से इसमें थोड़ा विकास हो जाता है, लेकिन इसका जो मूलतः गुणांक होता है वही रहता है। तो बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक निम्नलिखित में से उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि द्वारा बालक में सामाजिकता विकसित होती है? टेलीविजन देखना, बंद कमरे में रहना, खेल द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, खेल द्वारा। बच्चे समूह में खेलते हैं जिसके कारण उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, त्रितंत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पियाजे, स्टेनबर्ग, कोलबर्ग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता बी, स्टेनबर्ग। रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया था, इसी के माध्यम से उन्होंने बुद्धि की व्याख्या की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाषा विकास की पूर्व वाक अवस्था के अंतर्गत किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? ऑप्शन हमारे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है जन्म से 15 महीने के मध्य। जन्म के बाद के प्रथम 15 महीने में होने वाली भाषा विकास की अवस्था को कहते हैं पूर्व वाक अवस्था, प्री स्पीच स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, बालक अपनी इच्छाओं को, परेशानियों को और जरूरतों को हाव भाव से क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जर्मन मनोवैज्ञानिक जुंग के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया के प्रकारों की दृष्टि से व्यक्तियों को कितने प्रकारों में विभक्त किया जाता है? समाज में व्यक्ति कितने प्रकार से अंतरक्रिया करता है, किस तरीके से, उसके आधार पर व्यक्ति को कितने भागों में जुंग ने बांटा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 3। ऑप्शन सही होता है बी, 3 प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगला क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे? फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है कि वीडियो दूसरों के लिए कितना रिलेवेंट है। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जो लोग चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, वुडवर्थ का संबंध इससे है कि संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है, ये वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए? अच्छे प्रश्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए? उद्देश्य पर आधारित हो, विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए, कठिनाई के स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, उपर्युक्त सभी होना चाहिए, एक अच्छे प्रश्न में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दुर्खिम, प्याजे, यंग, कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है दुर्खिम है। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन दुर्खिम द्वारा किया गया। इनका मानना है कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार और मान्यताएं होती हैं, जिससे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, दुर्खिम, रॉस, पियाजे, इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता बी रॉस। मनोवैज्ञानिक रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता स्यूडो मैच्योरिटी कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। सतत विस्तृत मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, सतत विस्तृत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं, विकल्प आप सभी पढ़ लीजिए। तो यहां पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, दो बच्चों के बीच तुलना को प्रोत्साहन देना। दो बच्चों के बीच तुलना को सतत मूल्यांकन के अंतर्गत हतोत्साहित किया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही सी। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र में उद्देश्यों का सोपान क्रमवार है। ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र में उद्देश्यों का सोपान क्रमवार है, आप यहां पे देख लीजिए, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए ए बी सी और डी। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है ए, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का सोपान ज्ञान, समझ अवबोध, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और फाइनली इवैल्यूएशन। ब्लूम द्वारा बताया गया संज्ञानात्मक क्षेत्र में उद्देश्यों का सोपान इस तरीके से ही होगा, पहला ज्ञान, फिर समझ अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केवल कुछ गुणों में वंश परंपरा होती है या वंशानुक्रम के किस सिद्धांत के अंतर्गत वर्णित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि केवल कुछ गुणों में वंश परंपरा होती है, किस सिद्धांत के अंतर्गत है ये, प्रत्यागमन का सिद्धांत, चयनित गुणों का सिद्धांत, संयोग का नियम, समानता का नियम। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होता है बी, चयनित गुणों का सिद्धांत। इसमें क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम में समस्त मानवीय गुण शामिल नहीं रहते, कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जिन्हें व्यक्ति किससे प्राप्त करता है, वातावरण से प्राप्त करता है। अब वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले गुणों में कौन कौन से आते हैं, लगभग आंखों का रंग हो जाता है, त्वचा का रंग, चेहरे की बनावट, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो कुछ ही गुणों में वंश परंपरा होती है और कुछ वातावरण से हमें मिलते हैं। चलते हैं आज के सवाल की तरफ, आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, पियाजे, कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अगर आप लोगों ने अच्छे से मॉडल पेपर सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आराम से बता पाएंगे, तो आप लोग फटाफट से जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा, और आप लोग कितना स्कोर कर पाए ईमानदारी के साथ भी बताइएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते